हम गेहूं के पदार्थ हमेशा खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खपली गेहूं और सामान्य गेहूं के बीच फर्क नहीं जानते। तो चलिए आज हम खपली गेहूं और सामान्य गेहूं के बीच फर्क जान लेते हैं। माना जाता है कि खपली गेहूं सामान्य गेहूं की तुलना में अधिक प्राचीन प्रकार का गेहूं है। खपली गेहूं की किस्मों में समय के साथ न्यूनतम आनुवंशिक परिवर्तन हुए हैं, जबकि सामान्य किस्मों में उच्च उत्पादन और अन्य विशेषताओं के लिए कई आनुवंशिक बदलाव किए गए हैं। इसलिए खपली गेहूं एक विशेष प्रकार का गेहूं है। खपली गेहूं के दाने लंबे और पतले होते हैं, जबकि सामान्य गेहूं के दाने मोटे होते हैं। खपली गेहूं लाल भूरे रंग के होते हैं, जबकि सामान्य गेहूं पीले भूरे रंग के होते हैं। खपली गेहूं की बनावट थोड़ी खुरदुरी होती है, जबकि सामान्य गेहूं की बनावट मुलायम होती है। खपली गेहूं का आटा लाल भूरे रंग का होता है, जबकि सामान्य गेहूं का आटा पीले भूरे रंग का होता है। आम गेहूं की तुलना में खपली गेहूं की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक मजबूत होती है। खपली गेहूं सामान्य गेहूं की तुलना में अधिक पौष्टिक होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में खपली गेहूं में कम ग्लूटेन पाया जाता है, जो पचाने में आसान होता है, जिससे कमजोर पाचन और ग्लूटेन की समस्या वाले लोगों के लिए खपली गेहूं एक अच्छा विकल्प बन जाता है। सामान्य गेहूं के मुकाबले खपली गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह मापता है कि कोई भोजन कितनी तेजी से रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। खपली गेहूं रक्त शर्करा के स्तर को जल्दी नहीं बढ़ाता, इसलिए मधुमेही लोगों के लिए खपली गेहूं एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खपली गेहूं मुख्यतः पारंपरिक तरीके से उगाया जाता है, जबकि सामान्य गेहूं पारंपरिक या आधुनिक तरीकों से उगाया जाता है। सामान्य गेहूं के मुकाबले खपली गेहूं का बहुत कम उत्पादन किया जाता है। खपली गेहूं को पूरी तरह से तैयार होने में आम गेहूं के मुकाबले अधिक समय लगता है, इसलिए इसका विशिष्ट स्वाद होता है। खपली गेहूं आम गेहूं के मुकाबले पानी को बेहतर तरीके से सोखता है, जिससे गूंथा हुआ आटा नरम बन जाता है। आम गेहूं के मुकाबले खपली गेहूं का चोकर मोटा होता है, जो इसे अधिक पौष्टिक बनाता है। सामान्य गेहूं की तुलना में खपली गेहूं से बनी चपाती, पोली और अन्य खाद्य पदार्थ अधिक स्वादिष्ट होते हैं। सामान्य गेहूं के मुकाबले खपली गेहूं महंगा होता है। खपली गेहूं का स्वाद थोड़ा कठोर छिलके वाले फलों जैसा और मिट्टी के स्वाद जैसा होता है, जबकि सामान्य गेहूं का स्वाद सामान्य होता है। सामान्य गेहूं की तुलना में खपली गेहूं हृदय के स्वास्थ्य के लिए, वजन नियंत्रित रखने के लिए, रोग प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए, आंतों के स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए और मधुमेही लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। खपली गेहूं का उपयोग मुख्य रूप से पोली, खीर और चपाती बनाने के लिए किया जाता है, जबकि सामान्य गेहूं से चपाती और पोली के साथ अन्य खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो अब आपको पता चला होगा कि खपली गेहूं और सामान्य गेहूं में क्या फर्क है।